क्या है एलिजाबेथ के सपनों का राज? क्या राज छुपा रहा है हेनरी एलिजाबेथ से? क्या है ओलिवर की सच्चाई? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोलीग्राड स्टूडियोज में, और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन फिल्म एलिजाबेथ हार्वेस्ट के बारे में। फिल्म को नजदीक से जानने के लिए जुड़े रहिए आखिर तक हमारे साथ। पहाड़ों के बीच कार की सवारी में एलिजाबेथ सपने देखने के बाद जागती है कि उसे एक शानदार आदमी मिलेगा जो उसे अपनी खुद की एक गुप्त दुनिया में ले जाएगा। वह आदमी ही गाड़ी चला रहा है, डॉक्टर हेनरी केलेनबर्ग, उसका नया पति। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो वह उसे नौकर क्लेयर स्ट्रैटन और अपने बेटे ओलिवर से मिलवाता है जो अंधा है। फिर वे एक विवाहित जोड़े के रूप में अपनी पहली रात का आनंद लेने से पहले बेहतरीन रात का खाना खाते हैं। अगली सुबह हेनरी उसे घर के आसपास दिखाता है जिसमें दर्जनों कमरे हैं। इन कमरों में एक विशेष ताला है जिसे केवल आपके अंगूठे को स्कैन करके प्रवेश किया जा सकता है, और ये सभी एलिजाबेथ और हेनरी दोनों को पहचानने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। हालांकि एक कमरा है जिसमें उसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, और हेनरी उसे वादा कराता है कि वह उसमें घुसने की कोशिश नहीं करेगी। फिर दोनों वहीं प्यार करने लगते हैं और उन्हें वहां क्लेयर देखती है। बाद में हेनरी उससे कहता है कि वह सुबह जल्दी ही निकलेगा क्योंकि काम है। अगले दिन क्लेयर एलिजाबेथ से दोपहर के भोजन के बारे में पूछने के लिए संपर्क करती है। वो सोचती है कि ये हेनरी के बारे में जानने का अच्छा मौका है क्योंकि उसने उसका नोबेल पुरस्कार देखा है, और वह सोचती है कि इतना शानदार आदमी उसके जैसी साधारण महिला से शादी क्यों करेगा। क्लेयर जाने से पहले बस इतना जवाब देती है कि वह नहीं जानती। रात में एलिजाबेथ खिड़की से देखती है कि क्लेयर और ओलिवर रात के बीच घर छोड़कर जा रहे हैं। वह बहुत कोशिश करती है लेकिन सो नहीं पाती, और आखिरकार देखने जाती है कि उस कमरे के अंदर क्या है। वहां उसे किसी तरह की लैब मिलती है जिसमें अजीब मशीनें हैं। वह इनमें से एक मशीन खोलती है और उसके अंदर एक सोता हुआ शरीर देखकर चौंक जाती है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। घबराकर एलिजाबेथ एक ट्रे से टकराकर कमरे से बाहर भाग जाती है जिससे उसकी उंगली पर कट लग जाता है। कट पर बैंडेज लगाने के बाद वह फोन करने की कोशिश करती है लेकिन चल ही नहीं रहा है। आखिरकार वह सो जाती है और दोपहर तक नहीं उठती। अगले दिन एलिजाबेथ हेनरी के आसपास ठीक महसूस नहीं करती। अपने दिन के बारे में बात करने के बाद एलिजाबेथ उसे फोन के बारे में बताती है, और हेनरी जवाब देता है कि उसका काम नहीं करना बहुत आम है। बदले में वह उंगली के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। फिर वह उसे बिस्तर पर पूरे दिन बिताने के लिए अपने बेडरूम में ले जाता है। एलिजाबेथ इसका आनंद नहीं लेती है और रोने लगती है। आधी रात में हेनरी बिस्तर से उठ जाता है और एलिजाबेथ उसका पीछा करती है। वह मुश्किल से सीढ़ियों तक पहुंच पाती है जब हेनरी उसे ढूंढता है और उससे कहता है कि उसे उसकी बात न मानने के लिए सजा मिलेगी। फिर वह एक कुल्हाड़ा निकालता है और घर के चारों ओर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। एलिजाबेथ बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन ताले अब उसके अंगूठे को स्वीकार नहीं कर रहे। वह वाइन सेलर में छिप जाती है जिसमें हेनरी प्रवेश करता है, और जब वह उसे नहीं देखता है तो वह लिविंग रूम में इंतजार करने जाता है। जब एलिजाबेथ अंत में बाहर आती है तो वह लिविंग रूम को खाली पाती है, इसलिए एक फायर पोकर लेती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है लेकिन हेनरी उनके पीछे छिपा होता है। वह उसे गिराने के लिए उसके टखने को पकड़ लेता है, फिर कुल्हाड़ी से उसकी हत्या करने के लिए बाहर आता है। अगली सुबह नाश्ता करने से पहले क्लेयर और ओलिवर उसके शरीर को जंगल में दफनाने में मदद करते हैं। क्लेयर हेनरी से यह सब रोकने की मांग करती है इससे पहले कि वो पकड़ा जाए, लेकिन वो मना कर देता है। दोपहर में उसका दोस्त फ्रैंक लोगन, जो एक जासूस है, उससे मिलने आता है। उसे यह बताने के बाद कि एलिजाबेथ सो रही है, हेनरी फ्रैंक से पूछता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है। फ्रैंक जवाब देता है कि वह चिंतित है क्योंकि उसके विभाग की जांच की जा रही है भुगतान स्वीकार करने के लिए। फ्रैंक को बख्शा गया है लेकिन उसके कुछ दोस्तों को नहीं, और उसे उनके खिलाफ गवाही देनी होगी। इसके लिए हेनरी का एकमात्र उत्तर यह है कि अत्याचार सहने से बेहतर है कि अत्याचार किया जाए, जो फ्रैंक को बहुत अजीब लगता है। इस बीच क्लेयर अपनी पत्रिका लिख रही है। वहाँ ओलिवर आ जाता है जो उसके लिए कुछ फूल लाया है। क्लेयर उन्हें ठुकरा देती है उपहार लाने पर, रोकल गाने के लिए कहती है, लेकिन ओलिवर उससे पूछता है कि अगर वह इतनी दुखी है तो वह वहाँ क्यों रहती है। वह कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीजों को जानती है, लेकिन ओलिवर सोचता है क्योंकि वह हेनरी से प्यार करती है। उसे भेजने के बाद क्लेयर गोलियां खाती है। 6 हफ्ते बाद पहाड़ों के बीच कार की सवारी में एलिजाबेथ सपने देखने के बाद जागती है कि उसे एक शानदार आदमी मिलेगा जो उसे अपनी खुद की एक गुप्त दुनिया में ले जाएगा। उसकी शादी की पोशाक अलग है लेकिन दिनचर्या एक ही है। हेनरी उसे परिवार से मिलवाता है, उसे घर के चारों ओर दिखाता है, जबकि क्लेयर दूर से देखती है। उससे वादा करता है कि वह निषिद्ध कमरे में नहीं जाएगी, और रात के खाने और नृत्य के बाद वे अपनी पहली शादी की रात एक साथ बिताएं। इससे पहले कि वे सो जाएं, हेनरी उससे कहता है कि उसे काम से संबंधित कारणों से जाना होगा। एलिजाबेथ सो नहीं पाती, इसलिए वह रसोई में जाती है जहां वह क्लेयर को सिगरेट पीते हुए पाती है। वह उसे बताती है
कि वह क्लेयर के बारे में और जानना चाहती है, लेकिन जैसे ही क्लेयर उसे कुछ बताने वाली होती है, हेनरी वहां आ जाता है, जो उसे वापस बिस्तर पर ले जाता है। अगली सुबह एलिजाबेथ खुद को घर में अकेली पाती है। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद वह अंत में अंदर जाती है और निश्चित कमरे में प्रवेश करती है। वह मशीन में खुद की प्रतिलिपि खोजती है और भाग जाती है, लेकिन इस बार कैप्सूल खुलता है और दूसरी एलिजाबेथ बाहर आती है और उसके पीछे जाती है। पॉपी एलिजाबेथ को सोती हुई पाती है, इसलिए खिड़की से जांच करने के बाद कि क्लेयर और ओलिवर चले गए हैं, वह एलिजाबेथ के चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ती है और उसका पायजामा खींचती है। अगले दिन एलिजाबेथ फिर से दोपहर में उठती है और अपने कपड़े खींचे हुए पाती है। हेनरी उसे ढूंढता है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह नहाने के लिए बाथरूम जाती है। हेनरी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ दरवाजा बंद रखने की कितनी भी कोशिश करे, हेनरी अंदर आ जाता है और एक तौलिया लेता है। वो कहता है कि उसने उसकी अवज्ञा की है। एलिजाबेथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी जल्दी से उसे गिरा देता है और तौलिया से उसका गला घोटना शुरू कर देता है। कुछ संघर्ष के बाद उसे लात मार मारती है और वहां से भाग जाती है। उसे मालूम चलता है कि दरवाजे का ताला उसके अंगूठे को स्वीकार नहीं कर रहा। चूंकि खिड़कियां भी अटूट हैं, एलिजाबेथ रसोई में चाकू लेने के लिए दौड़ती है। हेनरी कपड़े के एक टुकड़े पर बेहोशी की दवा डालता है। इसके बाद हेनरी लिविंग रूम में पियानो बजाने के लिए जाता है, फिर वह एक रिकॉर्डिंग चलाकर छोड़ देता है, जिससे एलिजाबेथ को लगता है कि वह अभी भी वही है। योजना काम करती है। वह रसोई में अपने छिपने की जगह छोड़ देती है और हेनरी उसके पीछे दिखाई देता है, कपड़े से उसकी नाक और मुंह को ढकता है। एलिजाबेथ तब तक संघर्ष करती है जब तक वह सो नहीं जाती, लेकिन यह पता चलता है कि यह सब उसे बेवकूफ बनाने के लिए उसकी चाल है। वह जल्द ही अपनी आंखें खोलती है और उसके कंधे पर अपना हाथ फेंकती है। हेनरी को छुरा घोंपती है और प्रभावी रूप से उसे मार देती है। वे दोनों फर्श पर गिर जाते हैं और जैसे ही हेनरी से खून बहता है, दवा का असर होने लगता है और एलिजाबेथ सो जाती है। जब वह घंटों बाद उठती है तो वह हेनरी के शरीर को दरवाजे तक खींचती है और ताला खोलने के लिए उसकी उंगलियों का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन यह काम नहीं करता। इसके बाद वह फर्श को साफ करती है, हेनरी के शरीर को छिपाने के लिए उसकी जैकेट से ढकती है, स्नान करती है और अपनी शादी की अंगूठी उतार देती है, फिर अपना खूनी पजामा जला देती है। बाद में वह सोफे पर झपकी ले रही है जब वह अचानक फोन बजने की आवाज से जागती है। यह हेनरी का मोबाइल है जो क्लेयर की कई मिस्ड कॉल देखती है। एलिजाबेथ 911 पर कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वह अपने घर में बंद है, लेकिन वह पता नहीं जानती। अफसोस की बात है कि इससे पहले कि वह उन्हें और जानकारी दे पाती, क्लेयर और ओलिवर वापस आ जाते हैं, इसलिए एलिजाबेथ फंस जाती है और नाटक करती है कि वह पढ़ रही थी। वो दोनों उसे वहां देखकर चौंक जाते हैं और उसे यह सुनकर और भी आश्चर्य होता है कि हेनरी ऊपर सो रहा है। क्लेयर बहुत परेशान हो जाती है। वह मुश्किल से रसोई में जाती है और वहां उसे दिल का दौरा पड़ता है। वह बाहर निकलने से पहले अपने फोन से 911 पर कॉल करने का प्रबंधन करती है और जल्द ही उसे लेने के लिए एक एम्बुलेंस आती है। एलिजाबेथ भी जाने के लिए उस मौके का उपयोग करना चाहती है, लेकिन ओलिवर उसे यह कहते हुए रोक देता है कि अगर वह चली जाती है तो वह पुलिस से उसकी रक्षा नहीं कर सकता। वह जानता है कि हेनरी मर चुका है और उसे यकीन है कि उसने ये सेल्फ डिफेंस में किया था। वो उससे पूछता है कि शरीर कहाँ है। साथ में वे इसे भस्मक के पास ले जाते हैं, जहां ओलिवर एलिजाबेथ से उसके अतीत के बारे में सवाल पूछता है। जब वह बच्ची थी तो अस्पताल में बहुत बीमार रहती थी। उसके माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसे एक अनाथालय में लाया गया। ओलिवर उसे बताता है कि वे यादें पास के दूसरे घर में हुई थी, जहां वह और क्लेयर सोते थे। वह 8 साल की उम्र तक वहां थी। जबकि क्लेयर यह समझाने में बेहतर होगी क्योंकि वह प्रयोग का हिस्सा थी, ओलिवर अभी भी कोशिश करता है, इसलिए वह उसे बताता है कि उसे अंडे की तरह निषिद्ध कमरे में पकाया गया है। 6 समान आनुवंशिक प्रतियां बनाई गई और वह एलिजाबेथ की फसल की 5वीं संख्या है। उस समय वे देखते हैं कि फ्रैंक की कार आ रही है, इसलिए ओलिवर जल्दी से उसे इसे संभालने के लिए कुछ जानकारी देता है। एलिजाबेथ उससे पहले एक बार मिल चुकी है और हेनरी ने उसे यह कहकर समझाया कि उसे नींद की बीमारी है। वह लिविंग रूम में फ्रैंक को प्राप्त करती है। उसे बताती है कि हेनरी झपकी ले रहा है क्योंकि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। जब ओलिवर पानी लाने जाता है, फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है, क्योंकि उसने 911 पर किए गए कॉल के बारे में सुना है। ओलिवर वापस आता है और उसे बताता है कि वो क्लेयर थी जिसने उसे दिल का दौरा पड़ने पर बुलाया था। एलिजाबेथ इस झूठ पर चुप रहती है। जैसे ही ओलिवर कुछ और लेने के लिए कमरे के बाहर जाता है, फ्रैंक बताता है कि यह कितना अजीब है कि इस घर में हर कोई एक समस्या है। एलिजाबेथ और उसकी नींद की बीमारी, क्लेयर और उसका कमजोर दिल, ओलिवर अंधा है और अब हेनरी भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। हालांकि वह अचानक मर जाता है जब ओलिवर राइफल लेकर वापस आता है और उसे गोली मार देता है। वह एलिजाबेथ को समझाता है कि हेनरी फ्रैंक को भुगतान कर रहा है क्योंकि उसने एक और एलिजाबेथ को पकड़ा और 3 साल पहले उसे घर वापस लाया। हेनरी ने उस एलिजाबेथ को भी मार डाला, जैसे उसने आज तक के हर क्लोन के साथ किया।
एलिजाबेथ के 8 साल की होने के बाद उसे वापस टैंक में डाल दिया गया। यही वजह है कि उसकी याददाश्त में कमी है। उसे केवल भौतिक चिकित्सा के लिए और उसके दिमाग को यादों और घटनाओं से भरने के लिए, उसके व्यक्तित्व को अनुकूलित करने के लिए भी लाया जाएगा। एलिजाबेथ प्रयोग के बारे में और नहीं सुनना चाहती है, इसलिए एक बार फिर वह ओलिवर को शरीर को भस्मक तक ले जाने में मदद करती है। बाद में ओलिवर उसे एक बैग कपड़े और तिजोरी से कुछ पैसे लाने के लिए कहता है ताकि एलिजाबेथ बच सके। इससे पहले कि वह जा सके, वह उसे क्लेयर की पत्रिका पढ़ने के लिए कहता है क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ सकता और उसे वहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। फिर एलिजाबेथ को तब तक के लिए कमरे में बंद कर देता है जब तक वह पढ़ नहीं लेती। यह देखते हुए कि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है, वह यह जानने के लिए पत्रिका पढ़ना शुरू करती है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। सेल अनुसंधान में हेनरी की सफलताओं के बारे में सभी जानते थे और उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सेल प्रक्रियाओं का पेटेंट कराने के बाद एक अरबपति की शक्ल में रिटायरमेंट दिया। 5 साल पहले अचानक से उसने क्लेयर को अपने घर आमंत्रित किया। वह न्यूरोडीजेनरेशन में उसके काम के बारे में जानता था, इसलिए अब वह चाहता था कि वह उसके लिए काम करे। वह उसे निषिद्ध कमरे में ले गया और उसे अपनी पत्नी एलिजाबेथ से बने क्लोन दिखाए जो ओलिवर को जन्म देने के दौरान वर्नर सिंड्रोम के एक बहुत ही दुर्लभ स्ट्रेन से मर गई थी। हेनरी ने उसका डीएनए लिया और उसे क्लोन किया, 6 समान प्रतियां बनाने का प्रबंधन किया, लेकिन पहले 2 में पहले से ही जन्म के समय जटिलताओं को दिखाया गया था, इसलिए उन्होंने अन्य 4 को क्रायोजेनिक नींद में डालने का फैसला किया जब तक कि किसी को इलाज नहीं मिल जाता। वह क्लेयर का काम था, उसने नैतिकता के कारण पहले तो मना कर दिया, लेकिन हेनरी ने तुरंत उसे आश्वस्त किया जब उसने उसे अद्वितीय वैज्ञानिक अवसर के बारे में बताया। 2 साल बाद क्लेयर ने कोड को तोड़ दिया, इसलिए उन्होंने क्लोन के दिमाग में यादें डालने पर काम करना शुरू कर दिया। तीसरी एलिजाबेथ शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर उठी, लेकिन साथ ही विचलित और लंबे समय तक चीजों को याद रखने में असमर्थ रही। कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ ने फसल के कमरे की खोज की और भाग गई, तभी फ्रैंक ने उसे पाया। वह उसे वापस घर ले गया जहां उन्होंने दिखावा किया कि वह क्लेयर की भतीजी थी जिसे मानसिक समस्याएं थी। फिर भी फ्रैंक को एक रिपोर्ट भरनी थी, इसलिए हेनरी ने उसे यह सब गुप्त रखने के लिए भुगतान किया। इसी बीच ओलिवर खाना लेकर आता है। वह उसे बंद करने के लिए क्षमा चाहता है, लेकिन वह वादा करता है कि वे एक ही तरफ हैं। एलिजाबेथ फिर भी दरवाजा खोलते ही उस पर कूद जाती है और उसे उसी की बेल्ट से बांधकर दरवाजे का कोड मांगती है ताकि वह भाग न सके। वह दरवाजे पर कोड डालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि ओलिवर झूठ बोल रहा था, और जब वो वापस उसे देखने जाती है तो देखती है कि वह पहले ही भाग चुका था। रसोई से चाकू लेने के बाद एलिजाबेथ फसल के कमरे में जाती है जहां वह ओलिवर को जीवित रखने के लिए अंतिम क्लोन भौतिक चिकित्सा देते हुए पाती है। वह कसम खाता है कि पत्रिका पढ़ने के बाद वह उसे जाने देगा। फिर जब वह क्लोन को देखने के करीब आती है तो वह उसे गर्दन पर कुछ एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगाकर सुलाती है। उस चीज के बारे में सपने देखने के बाद जो दोनों उसके और अन्य क्लोनों के बीच चल रहे हैं। एलिजाबेथ अपने कमरे में जागती है फर्नीचर से बंधी हुई और ओलिवर द्वारा छोड़े गए कुछ भोजन के साथ। श्रृंखला को हटाने की कोशिश करना व्यर्थ है, इसलिए वह पत्रिका पढ़ने के लिए वापस चली जाती है। एक बार फ्रैंक का भुगतान हो जाने के बाद हेनरी और क्लेयर ने अपने परीक्षण जारी रखे, लेकिन कुछ दिनों बाद तीसरी एलिजाबेथ की दम घुटने से मृत्यु हो गई। हेनरी ने कहा कि उसने अपना चेहरा तकियों के नीचे दबा दिया था, लेकिन क्लेयर ने उस पर विश्वास नहीं किया, फिर भी उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा। यह पता चलने के बाद कि उसकी स्थिति वापस आ गई है, उन्होंने और अधिक शोध करने के लिए वापस जाने से पहले उसे जंगल में दफना दिया। 6 महीने बीत गए जब तक कि उन्होंने हर संयोजन को समाप्त नहीं कर दिया, इसलिए अब जब हेनरी ने उम्मीद खोना शुरू कर दिया था, क्लेयर आखिरकार उसके साथ रात बिताती है। काम हो जाने के बाद हेनरी ने कहा कि वह मशीनों को बंद करना चाहता है क्योंकि वे काम नहीं कर रही थी, हालांकि क्लेयर सहमत नहीं थी। वर्तमान में वापस ओलिवर और खाना लाता है और एलिजाबेथ को सूचनाओं के आदान प्रदान की पेशकश करता है। एलिजाबेथ उसे बताती है कि क्लेयर ने कभी उसका उल्लेख नहीं किया और कोड को क्रैक करने में विफल होने के बाद उसने हेनरी के साथ एक संबंध शुरू किया, लेकिन ओलिवर ने उसे सही करते हुए कहता है वह कभी असफल नहीं हुई, हेनरी ने नमूनों को दूषित कर दिया। बदले में ओलिवर उसे बताता है कि हाँ, वह ठीक हो गई है और यह कि सभी क्लोन 8 साल की उम्र में वहां रहते थे जबकि वह बोर्डिंग स्कूल में था। जब वह 12 वर्ष का था तब वह लौटा और दूसरी एलिजाबेथ से मिला जो उसके हिसाब से सबसे सुंदर व्यक्ति थी क्योंकि तब वह अंधा नहीं था। वे जल्दी से दोस्त बन गए, लेकिन हेनरी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए ईर्ष्या के कारण उसने अपनी नींद में ओलिवर पर हमला किया और उसे अंधा बना दिया। वह उसे बताता है कि हेनरी और एलिजाबेथ को एक साथ देखकर उसे नफरत होती थी और कमरे से चला जाता है, इसलिए एलिजाबेथ पत्रिका को फिर पढ़ना शुरू कर देती है। क्लेयर ने अफेयर तब तोड़ दिया जब उसे एहसास हुआ कि वह एलिजाबेथ की जगह कभी नहीं ले सकती, जिसके बारे में हेनरी बात करना बंद नहीं करेगा। जब उसने उससे पूछा कि वह वास्तव में क्या चाहता है, तो उसने स्वीकार किया कि वह उस उत्साह का अनुभव करने के लिए अपनी शादी की रात को बार बार फिर से जीना चाहता है। सबसे पहले क्लेयर उसकी मदद नहीं करना चाहती थी, लेकिन चूंकि वह मना नहीं कर पाती थी, इसलिए उसने एलिजाबेथ फोर को जीवन में लाने में सहायता की।
शरीर पर काम करते हुए उसने उल्लेख किया कि कैसे वह एलिजाबेथ को जन्म देने के रिकॉर्ड कभी नहीं पा सकी और ओलिवर हेनरी का एक क्लोन था, जिस पर हेनरी जवाब देता है कि वह हमेशा चिंतित रहता है कि एलिजाबेथ उस युवा लड़के को चाहती है जिससे वह प्यार करती है, न कि इस उम्र में संस्करण। वर्तमान एलिजाबेथ इस खबर से बहुत परेशान है और थोड़ी देर के लिए पत्रिका छोड़ देती है। दो दिन गायब रहने के बाद ओलिवर उसे जगाता है, गर्दन पर कैंची और खून बहते हाथ से यह बताने से इनकार करता है कि वह कहां गया था। एलिजाबेथ उसे वह जानकारी बताने के लिए आगे बढ़ती है जो वह चाहता है। क्लेयर ने सोचा कि वह एक क्लोन था, लेकिन हेनरी उसे जन्म प्रमाण पत्र दिखता है और उसे डॉक्टर को बुलाता है। ओलिव हेनरी का बेटा है और अब वह जो चाहे वह हो सकता है। इन तथ्यों को कैसे संभालना है यह नहीं जानते हुए ओलिवर उससे दूर हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ अनुमान लगाती है कि वह उससे प्यार करता है, इसलिए वह उसे एक साथ आने का वादा करते हुए उसे करीब आने के लिए मना लेती है। जैसे ही वह उसके पास आता है, वह उसे दूर धकेल देती है, कैंची और चेन की चाबी छीन लेती है और असली डोर कोड मांगती है। जब वह गुस्से में उसे लात मारना शुरू करती है तो वह अचानक छठे और अंतिम एलिजाबेथ क्लोन से बाधित हो जाती है, जिसके पास राइफल है, एक शादी की पोशाक पहने हुए है और ओलिवर को हेनरी बोलती है। एलिजाबेथ 5 उसे बताने की कोशिश करती है कि ओलिवर बुरा आदमी है, लेकिन 6 उस पर विश्वास नहीं करती है और उसे फर्श पर गिरा देती है, जिससे उसे कैंची ढूंढने का मौका मिलता है और ओलिवर के पैर में छुरा घोंप देती है। फिर वह ओलिवर को एक बंधक के रूप में पकड़ लेती है, लेकिन यह एलिजाबेथ 6 को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो राइफल चलाती है, ओलिवर को गोली मारती है और उसके पिछले क्लोन को चोट पहुंचती है। एलिजाबेथ 5 कमरे से बाहर निकलती है और अंत में सही कोड के साथ दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखती है, एलिजाबेथ 6 दिखाई देती है और उसे गोली मार देती है। मरने से पहले 5 उसे सच्चाई जानने के लिए क्लेयर की डायरी पढ़ने के लिए कहती है। नहाने और नए कपड़े पहनने के बाद एलिजाबेथ 6 नाश्ता करते हुए पत्रिका पढ़ने का फैसला करती है। जिस रात हेनरी ने एलिजाबेथ 4 को चाकू से मार डाला, क्लेयर ने उसकी चीख सुनी और यह देखने गई कि क्या हो रहा है। समझाने के बजाय हेनरी ने उसे बताया कि उसने अपना अनुबंध फिर से कर दिया है और अपनी सभी संपत्तियों पर नाम बदल दिया है, इसलिए वे अब क्लेयर से संबंधित हैं। इस तरह वह अपना शोध जारी रख सकती है। क्लेयर ने पुलिस को फोन करने की धमकी दी, लेकिन हेनरी ने कहा कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि एलिजाबेथ पहले ही दुनिया के लिए मर चुकी थी। उसने शादी में खुद को हेनरी को दे दिया था और फिर वह मर गई, लेकिन अब उसने उसे बार बार मारने की अनुमति देकर कानून की पहुंच से बाहर खुशी दी। उन्हें इसके बारे में कोई शर्म नहीं आई क्योंकि इन प्रतियों को असली एलिजाबेथ की तरह कभी महसूस नहीं हुआ। क्लेयर ने उसे रुकने के लिए कहा और हेनरी ने अपनी पूरी कोशिश करने का वादा किया। वर्तमान में वापस क्लेयर अस्पताल से वापस आती है और दरवाजे पर एलिजाबेथ से टकराती है, जिसके पास एक पैक बैग है। वह क्लेयर को पत्रिका देती है और उसे बताती है कि उसने घर और पैसा कमाया है, इसलिए वह इसके साथ कुछ अच्छा कर सकती है। फिर वह चली जाती है, अंत में मुक्त हो जाती है और उसके सिर में थोपी गई हर चीज से जाग जाती है। बस कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं सानिया सैफी आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ।